Let's understand the structure of DNA. Its full form is deoxyribonucleic acid. Now DNA is consist of polynucleotides. जो further किसका बना होता है न्यूक्लियोसाइड का और फॉस्फेट मॉलिक्यूल का. फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है H3PO4 and this is the structure of phosphate. Now nucleoside is consist of pentose sugar and nitrogenous base. पेंटोज शुगर में दो तरह की शुगर होती है, एक राइबोज होती है दूसरी डीऑक्सीराइबोज. दोनों ही 5 कार्बन की शुगर होती है, बट मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है कि इसके सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है राइबोज में, जबकि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पे H होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है. ना नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल. ये पेंटोज शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड. ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से कनेक्ट होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू. ठीक है, अब हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं. तो यहाँ पे देखो पेंटोज शुगर दिया हुआ है और ये नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है एंड यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट रहते हैं.